आगामी एमसी चुनाव की तैयारी के लिए आज ब्रैन निशांत में सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। डीपीएससी चुनाव में जीत हासिल करेगी क्योंकि अन्य दलों की शोषणकारी राजनीति को देखते हुए लोगों को केवल डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाब नबी आजाद पर ही उम्मीदें टिकी है। बैठक की अध्यक्षता अमीन भट्ट, प्रांतीय अध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी ने की। बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष अमीर भट्ट ने किया। बैठक में उपस्थित अन्य लोगों ने प्रांतीय महासचिव खालिद तुफेल, पीर बिलाल जोनल अध्यक्ष अमीर भट्ट, जिलाध्यक्ष मीर मोमिन, युवा नेता फारूक दार पार्षद शामिल थे। एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक कर रहने की, एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक कर रहने की। मिट्टी का बना हूं, गुरूर मुझ पे जजता नहीं। भट्ट के साथ आखिरी कदम तक साथ दे रहा है अमीर भट्ट। कोई मुसाफिर अगर श्रीनगर में फंसता है तो पहला फोन अगर किसी को जाता है वो हमारे सुल्तान साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको जाता है। सियासत अपनी जगह है, सियासत का सबसे पहला मकसद जो है खिदमत खलक है। मैं कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पॉलिटिक्स में, ये आजाद साहब की शान है, आजाद साहब का दिल है जिन्होंने मुझ से ना चीज को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, जिस कश्मीर को खून से सींचा। चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने घर में। इस उम्र में आजाद साहब को कोई महल नहीं, कोई दौलत नहीं मनानी, लेकिन आजाद साहब ने गरीब आवाम की खिदमत की। मैं हर एक तरह की बात कर रहा हूँ, फिर जब आखिरी साल होता है, इलेक्शन के दिन होते हैं, तब वो चेहरा दिखाने आते हैं। सब जज्वारे सब जज्वारे इधर समझ जाएगा पीछा जोर में नहीं पीछा, मगर आसमान बढ़ते हैं। अब नौजवान लीडर जो आगे हमें रिप्रेजेंट करें बहादुरी से, झुरत से और हिम्मत से, और मेरे ख्याल से अगर वो आमिर भट्ट नहीं है फिर कौन है, और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए हमें खड़ा रहना है आमिर भट्ट के साथ, आखिरी कदम तक साथ देना है आमिर भट्ट को। तो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत होगी सबसे पहला काम होगा हम अपने एरिया को हॉस्पिटल देंगे।